जब तक सूरज चांद रहेगा, दादा हीरा सिंह मरकाम तेरा नाम रहेगा। इन नारों से रतनपुर गूंज उठा। दरअसल बुधवार देर शाम उन्होंने बिलासपुर स्थित वंदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वे काफी लंबे समय से बीमार थे और गहन उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। गोंगपा सुप्रीमो के निधन की खबर से उनके समर्थकों सहित आदिवासी वर्ग में शोक की लहर दौड़ पड़ी। स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सुप्रीमो। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का पार्थिव शरीर बिलासपुर से रतनपुर जब महामाया चौक पहुंचा, तो हजारों लोग सुबह से दादा जी के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार में खड़े थे। वे एक लोकप्रिय नेता थे जिनके स्वर्गवास की सुनते ही क्या आम क्या खास सभी की आंखें नम हो गई। कल शाम में उनके निधन की खबर सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए थे। ये दादा जी के व्यक्तित्व की खासियत ही थी कि विरोधी दल के लोग भी उन्हें सम्मान और आदर देते थे। आज जब रतनपुर दादा हीरा सिंह मरकाम का महामाया चौक में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी अंतिम यात्रा उनके गृहग्राम तिवर्ता कोरबा में सम्मान रैली के साथ निकाली गई। तो लोग जब तक सूरज चांद रहेगा, दादा तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम का शव रतनपुर पहुंचा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी सदस्य और वहीं रतनपुर सहित आसपास अंचल के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के निजी सचिव श्याम सिंह मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 80 वर्ष की उम्र में गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का निधन 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को शाम लगभग 6:30 बजे हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम में 29 अक्टूबर 2020 को दोपहर बाद किया जाएगा। हम आपको बता दें कि गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यदि बीते समय की बात करें तो उन्होंने पूरे देश में गोंडवाना का नाम पहुंचा दिया है। गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक चेतना को जागृत करने का काम करने में कभी कमी नहीं की। साधन संसाधन की कमी के बाद आज पूरे देश में गोंडवाना आंदोलन की आवाज देश के प्रत्येक राज्यों में गूंज रही है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।